అయ్యో పోస్ట్ మ్యాన్ 205 విల్ డ్రైవ్ రెడ్డి మెనీ మెన్షన్ డిటెక్టివ్ విలియం బోస్ ఏ జర అడ్రస్ బావచ్చి రెడీ మనీ మెన్షన్ హిల్ డ్రైవ్ డిటెక్టివ్ విలియం బోస్ హమకో నహీ మాలూమ్ హమ నయా పోస్ట్ మ్యాన్ హై ऐसा कैसा जैसा तैसा पोस्ट मैन तुम अयो रेड मैंने मेंशन मिल गया आई गॉट इट ये दैट इज डिटेक्टिव ये जर्सी अयो चेरप्पो चेरप्पो డిటెక్టివా క్లయింట్ క్లయింట్ జి నేమ్ పద్మనాభన నాభి పద్మన తిరుమలై వణకం కమ్ కమ్ అయ్యో అయ్యో ఐసా కైసా జైసా తైసా బాత్ కర్తా జి జిధర్ సే తుమారా జూతా బార్ కు ఆయా ఉధర్ సే హమ్ అందర్ కు కైసా ఆనా జి అయ్యో చమత్కారం అయ్యో డిటెక్టివా తుమ అందరితే ముండి ఘుమాకే బార్ కా దర్వాజా కోలా జీ కామ్ కి బాత్ కరో అయ్యో విలియమ బోసా హమ్ నీచ సే ఊపర్ కు ఆయా తో హమ్ ఐసా దామ్ దుమ్ సునా కి హమ్ కో యహాం కబ్ క్యూం ఔర్ కహాం క్యా హోతా హై క్యా హోతా హై జీ ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं तुम अपनी बात करो अयो किस मुसीबत में जान फंसी है अयो डिटेक्टिव हमारा जान का मुसीबत में हमारा जान फंसा है जी जान की मुसीबत में जान नहीं 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 अयो बीवी वो औरत हाँ तो मिस्टर पद दमादम अयो पद दमादम नहीं जी पद्मनाभन नाभि पद्मन तिरुमलाई हाँ हाँ तेरी मलाई लेकिन आप तो अपनी वाइफ अयो अम्मा बात ऐसा है सर हम तुम ये हटाओ जी ये मुंडी में तुम्हारा मुंडी नहीं दिखता है जी हाँ बोलो देखो बात ऐसा है कि हमारा बीवी हमको पेट फूल नहीं है जी बेबी पेट फुल नहीं है हाँ अयो बेबी नहीं जी बीबी का बात करता जी हम बी आई की बात करते अरे हमारा बीबी पेट फुल नहीं होएगा तो हमारा बेबी कैसा होएगा जी बात ऐसा है सर कि वो चोरी चोरी चुपके चुपके दूसरे को लव करता है जी एकदम प्राइवेट में प्यार करता है जी तुम्हारे बीबी का एड्रेस क्या है हाँ देता है क्या अयो एक तो वो दूसरे को प्यार करता है और हम तुमको कैसा एड्रेस देंगा जी देखो हम उसको खून वाला हाथ पकड़ना मांगता है जी यू मर्डर अयो मर्डर का क्या बात है जी खून वाला हाथ मतलब रेड हैंडेड रेड हैंडेड ओह यू मीन रेड हैंडेड अयो डिटेक्टिव तुम्हारे बत्ती को क्या हुआ तुम उसका बात छोड़ो तुम तुम्हारा बात करो हम जैसा समझता है तुम अपनी बीवी को पराए मर्द के साथ रंगे हाथ पकड़ना चाहता है करेक्ट हम ये काम करेगा लेकिन उसका एडवांस परवाला जी 1000 एडवांस थैंक यू वेरी मच अब हम जो भी बोलता है जी। वो ध्यान से सुनो ठीक से आज रात के 12 बजे तुम अपने घर को जाएगा जी दरवाजे के पास पहुंचेगा दूर एक कुत्ता रोएगा तुम चाबी निकालेगा दरवाजा खोलेगा बेडरूम का दरवाजा खोलेगा बेड खाली तुम्हारा बीवी तुम्हारे बेड में नहीं है तुम सोचेगा बीवी किधर गया खट से देखेगा सामने का शीशा में
दो शेडोज एक दूसरे के आगोश में लिपटा हुआ दिखेगा। जब शेडोज तुमको दिखेगा तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझकर शीशा तोड़कर अंदर जाएगा। अय्या अम्मा डॉक्टर अगर तुम तुम्हारा बीवी का ऊपर शक खाएगा तो डिटेक्टिव विलियम बोस के पास नहीं जाएगा डॉक्टर। अरे हम उसको मार मार के मछली पट्टम भगा देगा जी। अयो सुब्रमण्यम स्वामी, अयो कृष्णमूर्ति, अयो माँ। हम तुम्हारे वास्ते सारा बंबई छान मारा और तुम इधर अस्पताल में सोया हुआ है। अगर हम इधर सोता नहीं होता तो तुम अभी रोता होता समझा जी। ये क्या हुआ है तुमको? तुमने दरवाजा ठीक से खोला था? खोला जी। पास वाले कमरे में दो साए नजर आए थे चिपके हुए? चिपक रहे थे जी। दोनों में छुपा छुपी बातें हो रही थी? हाँ जी। यस। तुमने लपक के दोनों को पकड़ लिया था? यस। इसका मतलब है हमारा कोई कसूर नहीं है, कोई बात बाकी नहीं है। आप हमारा बैलेंस हाफ पीस दे दीजिए प्लीज। जरा ठहरो जी ठहरो, एक बात बाकी है जी। हम गोड़ का मापत दौड़ा, हाथ पाओ तोड़ा, अभी तुम्हारा मुंडे तोड़ने का बाकी है। Thank you.
जेंटलमैन, ये टैक्सी मैंने रोकी है। इस टैक्सी के अंदर पहले मैं आया हूँ, इसलिए बाहर आप जाएं। बाहर तो आप ही जाएंगे सर, बम्बई में हर कदम पे टैक्सी मिल जाती है, आप कोई और टैक्सी रोक लीजिए। अजीज, बम्बई में हर कदम पर पुलिस वाला भी मिलता है। आई कॉल द पुलिस। पुलिस बुला के भी आप जीत नहीं सकते बाजी, मिस्टर प्रेम नारायण ताजी। प्रेम नारायण ताजी, ए मिस्टर, तुम्हारा नाम कैसे जानते हो? नाम के साथ पता भी जानता हूँ। ताजी महल, जनपद, दिल्ली 6, राइट। ए मिस्टर, तुम हो कौन? क्यों, आ गए ठिकाने आपके होश? मैं हूँ प्राइवेट डिटेक्टिव विलियम बोस। प्राइवेट डिटेक्टिव? कहीं मेरी बीवी ने तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए हायर तो नहीं किया? आपकी बीवी ने आपको फायर तो किया है, लेकिन मुझे हायर नहीं किया। पिताजी? पिताजी? यस, पिताजी। व्हाट डू यू मीन? हा हा हा, मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूँ। डोंट कॉल मी पिताजी। एंड व्हाई नॉट? इसलिए कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। राइट, यू आर नॉट माई फादर, लेकिन आप हैं पिताजी, प्रेम नारायण ताजी, पी फुल पॉइंट ताजी। पिताजी, प्रेम नारायण ताजी। माय गॉड, माय गॉड। मुझे तुम्हारे कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में भी एक जासूस है। वो कौन? मेरी पत्नी। चलो चलो चलो। ड्राइवर, आज तुमने गाड़ी बहुत तेज चलाई, आइंदा ऐसी गलती मत करना। अल्बेला। जी मैम साहब। गाड़ी में से फलों की टोकरी निकालो। जी जी। और सुनो, ठीक तरह से निकालना, मैंने फल गिने हुए हैं। अच्छी बात है जी। अरे आप कब तशरीफ लाई? हा, आते काम भी शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, मुबारक हो मुबारक हो। अरे कुछ तो शर्म करो, सर्दी का मौसम आ रहा है, तुम्हारे लिए स्वेटर बुन रही हूँ। हाय हाय हाय, मजा तो तब आए कि सर्दी का मौसम तुम हो और मैं हूँ और ये कम्बख्त स्वेटर बीच में ना। ओहो, चलो ब्रेकफास्ट करें। हुजूर, अब तो आप जो चाहे करवा ले। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। हा हा, कॉफी बनाया भाई। अरे लेकिन हमारी रानी बिटिया कहाँ है, वो नाश्ता नहीं करेगी? अरे वो उठेगी तो नाश्ता करेगी ना। अब एक बात बताओ, जो लड़की 9-9 बजे तक सोती है उसके साथ शादी कौन करेगा? तुम फिक्र मत करो, हम उसकी शादी ऐसे लड़के के साथ करेंगे जो खुद भी 10 बजे तक सोए और रानी बिटिया को भी 10 बजे तक सुलाए। हाँ हाँ, मजाक करो और मजाक करो, लेकिन ये भी कोई तरीका है कि वो 9 बजे उठती है, 12 बजे ब्रेकफास्ट करती है, 3 बजे लंच खाती है और उसके बाद गाड़ी लेकर के रात को 12-12 बजे तक भटकती रहती है। हाँ, एक काम करो, उसके साथ ड्राइवर भेज दिया करो, या आधी रात को अकेले आना जरा ठीक नहीं। और आधी रात को लड़की को अकेले भटकना बहुत अच्छी बात है, क्यों? आधी रात? और मुझे याद आ गया, याद है हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात आधी रात को वॉयसराय की पार्टी में हुई थी। उस वक्त मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ में थे, क्या समझे? तुम्हारी मम्मी जो थी ना, वो लॉर्ड विलिंगटन के साथ डांस कर रही थी और तुम्हारे डैडी लेडी विलिंगटन के साथ, और मैं कर रहा था डांस तुम्हारे साथ और गा रहा था रोज इज रेड ग्रास इज ग्रीन। ओ शट अप, उस जमाने की पार्टी में और आजकल के जमाने की पार्टी में बहुत फर्क है। अरे मेरी जान, उस पार्टी में तुम मुझे मिल गई और आजकल की पार्टी में हमारी रानी बिटिया को भी कोई मिल जाएगा। हरगिज़ नहीं, रानी की शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगी। हाय डैडी। ओ डैडी, आप कैसे हैं? कब आए और मेरे लिए क्या लाए? आंसर नंबर 1, मैं आज सुबह की ट्रेन से आया। आंसर नंबर 2, आई एम फाइन थैंक यू वेरी मच। आंसर नंबर 3, मैं तुम्हारे लिए 8 mm का कैमरा। ओह रियली?
जंजीर शोले और सैटरडे नाइट फीवर का वीडियो टेप। डैडी ऑटोग्राफ का क्या हुआ? अरे अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लेकर आया। यू आर डार्लिंग डैडी। अच्छा बेटे अब तुम बताओ कि तुमने इतने दिन क्या किया? डैडी मैंने तो सिर्फ दो पिक्चरें देखी और पिकनिक पे गई। और डैडी यू नो ये जो अपनी गाड़ी है ना इतनी बकवास है, हम लोग गए तो रास्ते में ही बिगड़ गई। आई मस्ट चेंज द कार डैडी, मुझे नई गाड़ी चाहिए। ओह शो 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 रानी, एब्सोल्युटली शो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। घड़ी देखी तुमने? क्या वक्त हुआ है? यस मम्मी, लेकिन क्या था ना मैं रात को देर तक पढ़ रही थी। मुझे मालूम है तुम क्या पढ़ा करती हो। आपने सुना आपकी बेटी रोमांटिक लव स्टोरीज पढ़ा करती है। ओ मम्मी यू हैव डबल स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग। एक तरफ तो कहती हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ और दूसरी तरफ बड़ी होने में और बिगड़ने में बहुत फर्क है। लो पढ़ने से कोई बिगड़ जाता है डैडी? नो आर्ग्यूमेंट, ब्रेकफास्ट। व्हाई नॉट? शट अप, आई सेड ब्रेकफास्ट। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। मैंने सुबह चाय पी थी और अब मैं स्विमिंग पे जा रही हूँ। सुना आपने, ये स्विमिंग पे जा रही, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इसकी शादी हो जानी चाहिए। यू हैव हाई होप्स मम्मी। डैडी जब तक लड़का मुझे पसंद नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूंगी। सुना आपने, जब ब्रेकफास्ट करने में बिजी थे। अरे मैं सुन भी रहा था और ब्रेकफास्ट भी चाट रहा था। तो बस अब इस आजाद लड़की को बांधने का एक ही तरीका है, सुंदरलाल चोपड़ा के लड़की जगजीत से इसकी शादी करा दी जाए। सुंदरलाल चोपड़ा? अरे वो चोर है, स्कूल में मेरे पेपर की कॉपी करके तो पास हुआ करता था। उसका बेटा भी उसकी कार्बन कॉपी होगा। स्कूल की बातें छोड़ो और अब की बातें करो। उसके पास इतने पैसे हैं कि 10 पीढ़ी खाने से भी नहीं खत्म होंगे। क्या समझे, मैंने रिश्ते की बात पक्की कर दी है और रानी का फोटो भी भिजवा दिया। हाय हाय हाय, मेरी जलेबी, मेरी रबड़ी, मेरी मलाई, मेरी रानी, आई लव यू। ये क्या थप्पड़ मारती हो? मैं गधे के बच्चे। जी पिताजी। मैं शादी फोटो से करेगा या लड़की से? लड़की से। तो चल तैयार हो जा, लड़की देखने चलना है। सच? हाँ सच। रानी को? पिताजी मैं अब भी तैयार हुआ। तैयार हो जा। ले ले। शर्म कहीं का। अबे रो रो, मंगला आ गया प्रेम बाबू का। वाह वाह वाह। इतना बड़ा बल्ला, इतना बड़ा गार्डन, बड़ी कमाल की बात है। अरे अरे गधे के बच्चे। जी पिताजी। ये क्या फंस गया? अबे ऐसी हरकत करके कहीं तुम मेरी वो नथ नहीं उतरवा देना। अबे कहीं नाक ना कटवा देना। चल यहाँ से निकाल उसे। अरे मैं नाक काटने कौन आ गया? पिताजी ये रानी है। रानी है? ये तो कोई नौकरानी है। अबे रानी ऐसा काम करती है क्या? पिताजी नहीं, रानी आई है। अभी पता चलेगा रानी हो या नौकरानी। चोपड़े हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने जूता ही पहन लिया। अबे पहुंचो। हाँ जी, जीते रहो जीते रहो। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा किया आप आ गए जी। आप बुलाए और हम नहीं आए। आप बुलाए हम नहीं आए, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं भी शायर द पुत्र। अरे बचपन में तो तू मेरी नकल मारा करता था, आजकल मेहंदी हसन की मार रहा है। तेरा कामकाज क्या है? कामकाज तो बहुत है। दो पेट्रोल पंप है, दो नवियां ट्रका पाइया ने, ताड़ी लक्कड़ दी ताल भी है। और चुप है ते पहाड़गंज के बीच में चोपड़ा टिम्बर मार्ट अपना है। हाँ अंकल, वो जो हमारा नया मकान बना है ना, उसकी सारी लकड़ी हमारे ताल से आई है। क्यों पापा? चुप है, बढ़ते ही धंधे हमेशा। बेटी खा लो ना। नहीं। अरे खा लो, क्यों शर्माते हो? आप ही खाइए ना। अभी हम तो खाएंगे ही, खा लेंगे। कंजरा, ये डिपार्टमेंट मेरा है। बोल, लस्सी पिएगा? ओ प्रेम बाबू है, लस्सी दा वेला है और तो कुछ है। समझ गया तू की पिएगा। दस सोडा पावा के पानी। ओ सोडा ते लाहौर रह गया, थोड़ा बिच में पानी पा दियो। चल ना सोडा ना पानी एदा ही पी ले। नहीं नहीं यार ले। मगर आपकी लड़की कहाँ है? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। आ गया, थैंक यू। अब पापा मैं आपसे कह रहा था ना, ये रानी है, नौकरानी नहीं। तो बेशरम चप्पू। बेटी भगवान तेरे को 100 बरस की उम्र। तू चोपड़ा साहब को तो जानती है ना? हेलो अंकल। अंकल हेलो। और ये उनके बेटे। हाय हेलो।
और ये क्या हुईया बना कर रखा हुआ है? मम्मी वो मैं गार्डन में थी ना, मैं वहाँ धोकर आ प्लीज हरी आप कोई मेरी जिंदगी में ओए खजरा। वाह 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 आंटी, रानी क्या गाती है, वाह। मेरी बिटिया को गाने का बहुत शौक है। ठीक है ठीक है। वैसे आंटी मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा तो रानी के पास तो बहुत बड़ा कलेक्शन है, तुमको सुनना है तो ऊपर जाओ ना। मैं अभी जाता हूँ। डेफिनेटली। जाओ बेटा जाओ। वैसे आजकल के बच्चों को गाने का बहुत शौक है। जी हाँ बड़ा शौक है। आना पड़ो जी, आप ले लीजिए। क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अभी पता चल जाएगा। सुंदरलाल चोपड़ा, अपनी बेटी को मैं अच्छा जानता हूँ। मालूम होता है आपकी बेटी और मेरा बेटा छुपक रहे, कहो तो पुलिस का बैंड ले आओ। अरे बैंड की क्या जरूरत है, बैंड तो तुम्हारा वैसे ही बच जाएगा। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, क्या? अरे बेटे तू गाने गया था कि नहाने गया था? उल्लू का पट्टा। पापा ये अंगूठी कैसे पहना रानी? चल 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 घर चल। बैठ जाइए। अजी हम नहीं बैठेंगे, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पर। चल 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 चल। बेटा तुम जरा सुनो तो। सुंदरलाल जी अभी आना। हम तो कुत्ते हैं तो दोबारा आएंगे, हम नहीं आएंगे। चल बेटे चल। अरे चल 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 अपने। हम नहीं आएंगे यहाँ पर। हो गए आप लोग, आप अपने घर पर होंगे, नहीं आएंगे। रानी आखिर कटवा दी ना हमारी नाक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मम्मी नाक तो उनकी कटते कटते बच गई गार्डन में कैंची से। रानी ये कोई तरीका है? हम ही ने उन लोगों को बुलवाया था। चोपड़ा साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, आखिर उस लड़के में कमी क्या है? कमी? अरे मम्मी कमी ही कमी है। आखिर तुम्हें वो क्या है रानी, इसमें वो कमी है उसमें वो कमी है, सब में कुछ न कुछ कमी है। मैं तुम्हें पांच लड़के दिखा चुकी हूँ। पांच दिखा या पचास, शादी मैं अपनी मर्जी से करूँगी। बस बहुत हो चुकी मनमानी, अब जो मैं कहूँगी वही होगा। बट वाई? इसलिए कि तुम्हारा भला बुरा हम जानते हैं। यू आर आउटडेटेड मम्मी, आज जमाना बदल चुका है, लड़के लड़की को अपने लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। शट अप, नो आर्गुमेंट। बट वाई? बिकॉज आई एम सेइंग सो, दैट्स वाई। देन लिसन मम्मी, आज के बाद इस घर में रानी को देखने कोई लड़का नहीं आएगा, और अगर आएगा तो रानी घर छोड़ के चली जाएगी। घर छोड़ के चली जाएगी? कहाँ जाएगी? कहीं भी, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया देखी है तुमने? तो देख लूंगी, देख लूंगी। बचपन से ऐशो आराम में पली हो, ये जो तुम्हारी बुरी आते हैं ना, तुम्हें एक दिन भी घर से बाहर टिकने नहीं देगी। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और दादी नानी याद आ जाएगी। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। ऐसे घर से निकलना बंद? घर से बाहर नहीं निकलना, अब घर में वापस आता ही कौन है? आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, देखती हूँ आटे दाल का भाव मैं भी। दादा नानी याद आ जाएंगे, देखती हूँ अब मम्मी को दादा नानी याद आते हैं या मुझे। Thank you.
stars. Anybody here? Manager? Manager? Rat man over. Professor. I am teetotaler. Good evening. Good evening. लेकिन आप teetotaler कैसे हो सकते हैं? आप तो drunker हैं. Madam, this is my name. Ignaz Maria Thomas Totaler. हाँ, childhood में अगर अपना खुद का पसंद होता ना, तो अपना खुद का नाम बताकर जॉन वाकर रेड लेबल रख लेता. What can I do for you? See, I want a room. मुझे एक कमरा चाहिए. कमरा? मैडम क्या बोली आप? आजकल बॉम्बे में रूम का बहुत शॉर्टेज चल रहा. ओह नो. हाँ, चाइल्डहुड में मेरी डायन ने मुझसे कहा था, सुनो बेटा, सुनो, जिस स्पीड से बॉम्बे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, यहाँ रहने के लिए कमरा नहीं मिलेगा. क्या करूँ? उधर गवर्नमेंट की तरफ से होली बनाने का कंट्रोल, इधर पब्लिक की तरफ से पॉपुलेशन बढ़ जाने का कोई कंट्रोल नहीं. गवर्नमेंट की पॉलिसी, पब्लिक की पॉलिसी, दोनों अलग अलग है, तो आपको कमरा कहाँ से मिलेगा? लेकिन सोचिएगा नहीं, मेरे होटल में कमरा खाली है. ठीक है, मुझे एक सिंगल रूम चाहिए. सिंगल रूम? नो सिंगल रूम. हम चाइल्डहुड से देखते हैं, पहले सब सिंगल रूम में जाता है, लेकिन रूम में अंदर जाता भी है, लेकिन बाहर आता है सब डबल. हमारा डैडी चाइल्डहुड से हमको बोलता है. हमको भी चाइल्डहुड में हमारा डैडी बोला कि किसी का फालतू बकवास सुनने का नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है. लुक मिस्टर टोटलर, अगर आपको रूम देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए. हम जाएगा भी सिंगल, आएगा भी सिंगल. एनी प्रॉब्लम? नो नो प्रॉब्लम. चाबी? लेकिन 50 रुपए भाड़ा. ओके. अकेले आना? आज तक कभी अकेला है? सब डबल है. अब कहाँ कहाँ ढूंढू मेरी कट्टो. उसकी सहेलियों के घर पूछ चुका. पूछ चुके? सारा दिल्ली छान मारा. अरे पुलिस में रिपोर्ट करने गया तो. पुलिस में नहीं, पुलिस में नहीं. मैं जानता हूँ, पुलिस में रिपोर्ट करने से तुम्हारी इज्जत जाएगी. दुनिया भर को मालूम हो जाएगा कि जवान लड़की घर छोड़कर भाग गई. एक बात मेरी समझ में आती. क्या? रानी को बम्बई देखने का बहुत शौक था. बम्बई गई होगी. तो फिर आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अरे मक्खियाँ मार रहा, बस यही बाकी रह गया है. तो यहाँ बैठकर आप मक्खियाँ मारिए, मैं तो चली जोशी के पास जाती हूँ और उसी से मालूम करती हूँ कि कहाँ गई है. अरे जोशी क्या बताएगा, उससे तो कहो पहले मेरा हाथ देखे कि मेरी तकदीर में और क्या कुछ लिखा है. अब जोशी क्या कोई जासूस? जासूस 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 प्राइवेट डिटेक्टिव. अरे वो तो मुझे टैक्सी में मिला था. अच्छा, वो हमारी बेटी को ढूंढ सकता है. वो तो. अरे उसे मुझे अपना कार्ड का, अपना कार्ड. अरे तो कार्ड कहाँ है? कार्ड के ऊपर कुछ नाम भी तो होगा. अरे सोच तो लेने दो. वो नाम विलियम बोस. गाड़ी निकालो भाई, गाड़ी निकालो. ये क्या कर रखा है बीच में? गाड़ी निकालो. अरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. देखो क्या खिलने लाया. ठहरे ठहरे ठहरो. ये लो तुम लो. हाँ ये तुम लो. अरे आज जल्दी मत करो. चलो चलो ठहरो ठहरो. ये बिल्ली आ गए तुम. गुड मॉर्निंग मम्मी. तुम हमेशा इतने खिलौने क्यों लाते हो? मम्मी तुम्हें तो पता है कि मैं इसी अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ हूँ, और जब मैं छोटा था ना तो मुझे कोई खिलौने लाके नहीं देता था. हाँ इसीलिए मैं सब बच्चों के लिए खिलौने लाता हूँ. मम्मी मम्मी टॉनी भी बेहोश हो गया. बेहोश हो गया. चलो हटो बच्चों. हटो बच्चों. जगह दो, जगह दो बच्चों. चलो पानी. इसे हुआ क्या है? बच्चों चलो बाहर जाकर खेलो.
तीन महीने से टोनी बीमार है, कई बार ऐसे ही बेहोश हो चुका है। मैं इसे बड़े अस्पताल ले गई थी। लेकिन कुछ पता लगा क्या बीमारी? दिल की बीमारी है, बेहोश होने पर सांस लेने में भी तकलीफ होती है, इसे बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन तीन महीने से बीमार है और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं? बता के भी क्या करती, ऑपरेशन के लिए कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? मुझे टोनी की बहुत फिक्र लगी है। आप फिक्र न करो मम्मी, मैं टोनी के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपया कहीं से भी ले आऊंगा। लेकिन बेटा, 50,000 रुपये कोई मामूली रकम नहीं है। तुम्हारा खुद का ही काम ठीक नहीं चल रहा, इतने पैसे कहाँ से लाओगे? तुम क्यों चिंता करती हो मम्मी, अब मैं काम बहुत ही सीरियसली करने लगा हूँ। आपको बताया, मैंने आज ही अखबारों में इश्तेहार दे दिया है, वांटेड प्राइवेट सेक्रेटरी विलियम बोस। क्या मिस्टर विलियम बोस, तुम्हें सेक्रेटरी चाहिए और मुझे नौकरी? गुड मॉर्निंग। व्हाट गुड मॉर्निंग? अरे तुम्हारा खटमल हमको रात भर सोने को नहीं दिया, कैसा 7-स्टार होटल बनाया, इतना महंगा और नो स्टैंडर्ड। तुम्हें 7-स्टार होटल कैसी लगता है? 5-स्टार में नाम लिखा दो। बहुत है ताज, नटराज, हॉर्नबिल। ओह मिस्टर टॉटलर, आप नाराज क्यों होता है? जरा ये एड्रेस बताएंगे? ये विलियम बोस मनी पैलेस कलका, A to Z प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। क्या हुआ? मैडम, हम चैरल से बॉम्बे में रहता है, लेकिन विलियम बोस का नाम अभी तक नहीं सुना। चर्च गेट के आस पास कहीं नहीं होगा। मैन, तुम चाय लूट से बॉम्बे में रहता है, फिर भी इधर उधर अजू बाजू करता है। अजू बाजू किसी के पास क्या है? कमल की चीज है। याद रहे, ये डिटेक्टिव विलियम बोस का ऑफिस है और मैं हूँ उनका सब कुछ। आप लोग एक मनहूस जासूस विलियम बोस की एक मशहूर जासूस विलियम बोस की सेक्रेटरी बनने आई हैं। और ये भी याद रहे कि इस ऑफिस का मोटो है डिसिप्लिन। यहाँ पे तो मक्खियां मारने नहीं आई है। हाँ जी, पकड़ो। यहाँ हर काम ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक होता है, इसीलिए आप लोगों को एक एक टोकन दिए जाएंगे। 101, 102, 103 राइट। टोकन नंबर 101। तुम्हारा नाम क्या है? लूसी। लूसी, आई सी योर लैंग्वेज इज वेरी जूसी। क्या सुबह तुम कोई मीठा आम चूसी? हापूस। ए छोकरी, तुम नौकरी क्यों करना चाहता है? मैं शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्या नौकरी मिलने से शादी हो जाएगी? क्यों नहीं मालूम, आप मुझे नौकरी दोगे? हाँ? तो हम दोनों दिन भर साथ में रहेंगे। वाह वाह, क्या ब्राइट आइडिया है। मेरे पापा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अगर एक लड़का एक लड़की के साथ रोज रोज पूरा दिन साथ में रहे, डे एंड नाइट सर्विस, तो कभी ना कभी शादी हो जाता है। अरे माय स्वीट हार्ट, माय लवली, माय बुलबुल, तुम्हारा बुड्ढा, तुम्हारा फादर कितना सही कहते हैं। मेरा नाम भी सब कुछ है। शाम को इंटरव्यू खत्म होने के बाद हमने राम भरोसे हिंदू होटल में चाय पीने चलोगी? बहुत मजा आएगा डार्लिंग, प्लीज चलो ना, प्लीज चलो ना, प्लीज चलो ना। यस सर। तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हो या अपने लिए? हैं छोकरी, जो छोकरी नौकरी सिर्फ इसलिए ढूंढती है कि उसकी शादी हो जाए, बच्चा हो जाने के बाद प्रमोशन भी मांगती है, और हमारे ऑफिस में प्रमोशन देते वक्त कमोशन हो जाता है। आउट, नेक्स्ट। मिस नेक्स्ट, आपका नाम क्या है? नील कमल कमला नारायण कमलापति। कमाल है,
ऐसा कमल का नाम क्यों है तुम्हारा? क्योंकि जब मैं मुस्कुराती हूँ ना तब कमल के फूल खिल उठते हैं। ठीक है मिस नारायणवती कमलावती सती जी नहीं नील कमल कमला नारायण कमलापति मिस नारायणवती कमलापति जी नहीं नील कमल कमला नारायण कमलापति मैडम देखिए ये कमल के चक्कर में आप मुझे क्यों कीचड़ में घसीट रही है? ये क्या कंफ्यूजन है? ये कमल कमला कमली कमला कोमली क्या नाम कहाँ से उठा के लाई आप? भैया सर जिस लड़की का नाम इतना लंबा हो वो हमारी सेक्रेटरी नहीं बन सकती क्योंकि सेक्रेटरी का नाम लेते लेते 7 मर्डर हो सकते हैं। यस सर। मिस नील कमल कमला नारायण कमलापति आप पहले जाकर अपने नाम का शॉर्ट एंड कीजिए। आउट प्लीज आउट। सब कुछ सब कुछ यस सर। अब तक तुमने 2 लड़कियों का इंटरव्यू लिया है और तुम भी फेल हो गए और लड़कियां भी फेल हो गई। अब इंटरव्यू मैं लूंगा। ले लो। यू देयर कम हियर। टर्न। तुम एक जासूस की सेक्रेटरी बनना चाहती हो? जी हाँ। तुमने कभी किसी को गोली मारी है? नहीं जी। किसी की गोली खाई है? नहीं जी। तो मैं तुमको गोली खिलाता हूँ। सब कुछ रिवॉल्वर प्लीज क्विक। अरे क्या कर रहे हैं आप? दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की बहुत शॉर्टेज है। जिस लड़की को लाइटर और रिवॉल्वर के बीच में फर्क नहीं पता वो जासूस की सेक्रेटरी नहीं बन सकती। पहले जाओ और किसी का मर्डर करो या अपना मर्डर करवाओ, समझी? आउट आउट गेट आउट टोकन। थैंक यू। बहुत आपने सबकी छुट्टी कर दी। देख Next is you. Follow me. पर बाप रे मर गया क्या? बहुत जिंदगी भर मेरा ही इंटरव्यू लेते रहेंगे? सब कुछ यस बॉस। मेरा नाम क्या है? आपका नाम? हाँ विलियम बोस। और तुम मुझे को दे रहे हो ढोल? हाँ कड़की में लड़की को चाय पिलाने ले जा रहे थे? हाँ बॉस। नहीं नहीं वो लड़की तो चाय के पैसे खुद देने वाली थी। हालात अगर लड़की चाय के पैसे भरती तो मैं भी चाय पीने को चलता। हाँ तुम जानते हो जासूस की सेक्रेटरी किसे कहते हैं? अरे जासूस की सेक्रेटरी उसे कहते हैं जो उसके बॉस को मर्डर का पता लगने से पहले खुद ही मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करके मर्डर को पकड़वा दे, जो खुद ना ही खूबसूरत हो बल्कि अकलमंद भी हो, जो अगर उसका बॉस दुश्मन के हाथों किसी कमरे में बंद हो, जिस कमरे में ना खिड़की है ना दरवाजा है ना बाथरूम, तभी 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 तब भी झाड़ के अंदर आए और अपने बॉस को दुश्मनों से बचा ले। वेरी गुड, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। लेकिन अंदर और जासूस की सेक्रेटरी उसे कहते हैं जो अपने बॉस के दिल की बात उनके होठों से छीन कर अपने होठों पे ले आए। शायद आप लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आई एम एट योर सर्विस। आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। ओके। आपने कभी किसी को गोली मारी है? नो सर, वरना मैं जेल में होती। वेरी गुड वेरी गुड। या कभी किसी की गोली खाई है? नो सर, मेरा सर कभी दर्द नहीं होता। वेरी गुड। लेकिन अभी मैं आपको गोली खिलाने वाला हूँ। यस तैयार हो जाइए आप। वेट सर, बिना सिगरेट के लाइटर जलाने से पेट्रोल वेस्ट होता है। सिगरेट सिगरेट निकालना नहीं आता? लेकिन आप सिगरेट पीती हैं? जी नहीं, ये तो आपके लिए है। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं कौन सा ब्रांड पीता हूँ? ओह कॉमन सेंस। देखिए अगर आप डिटेक्टिव हैं तो दिमाग से काम लेते होंगे। yes, लेते हैं ना? yes, yes. दिमाग से काम लेने के लिए सिगरेट पीना जरूरी है, पीते होंगे। yes. और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो जरूर अपने ऑफिस के नीचे से खरीदते होंगे, राइट? बिल्कुल सही मैडम, क्योंकि सारे शहर में यही तो एक पान वाला है जो हम सबको उधार देता है। इसीलिए मैंने आपके पान वाले से आपके सिगरेट का पूछा।
Very good, very good. लेकिन you pass as a secretary, हम आशा आपको रख लेते हैं. Yes, देखो staff तो पूरा हो गया है. Now client का इंतजार है. ये तुम ठहरो अभी. ये डिटेक्टिव ने अम को गन से डराया जी. अम उसको अमरा गन से डराएगा. सुनते हो, बेटी को घर से गए हुए दो दिन हो गए हैं. कुछ करोगे भी या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? अरे मुझे घर पर बैठकर तुम्हारी बकबक सुनने का शौक है क्या? एक घंटे से मुंबई का नंबर लगाकर बैठा, कभी विलियम पोस्ट नहीं मिलता, कभी टेलीफोन बिगड़ा रहता है तुम्हारी तरह. ये लो घंटी बज गई. ये भी कमबख्त रहता तो जल्दी उठाओ ना. सेक्रेटरी, हमारे दफ्तर में आने के बाद तुम्हारा पहला असाइनमेंट है. कम हियर, कम हियर. यस सर. उठाओ टेलीफोन, उठाओ. ठहरिए, इस ऑफिस में आपका ये पहला काम है. आप जैसे ही फोन उठाएंगी मैं आपका मुंह मिठा करूंगा. हैं? यस मोहरत, फोन उठाओ. हेलो, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी सेक्रेटरी स्पीकिंग. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. जरा टेलीफोन विलियम बोस को दीजिए. मैं प्रेम नारायण ताजी दिल्ली से बोल रहा हूँ. पिताजी, मुंह मीठा कीजिए. हेलो, हेलो, बोल लाओ जी. हेलो, हेलो, क्या हुआ? चुप रहो. हेलो, हेलो, हेलो. वाह, मैं तो हिल रहा हूँ, आप हिलो. एक बात समझ नहीं आई, जब मैंने अपना नाम बताया तो वहाँ हुल्लड़ को शुरू हो गया. मैं पूछता हूँ कि आप डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हैं या कोई फिल्म स्टूडियो चला रहे हैं? मगर आप बोल कौन रहे हैं? देखिए, मैं प्रेम नारायण ताजी दिल्ली से बोल रहा हूँ. ओ पिताजी. हाँ पिताजी. ओ हो, 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 हो. डिटेक्टिव जी, आखिर आपसे काम पड़ ही गया. मेरा काम? हाँ बोलिए, खोलिए नहीं, बोलिए. देखिए, मेरी प्यारी बेटी रानी दिल्ली से भागकर बंबई चली गई है. हैं? मैंने दिल्ली का कोना कोना ढूंढ मारा है, कहीं पता नहीं चला. ढूंढिए, प्लीज ढूंढिए. मैं सब बात समझ गया हूँ लाला जी, लेकिन मैं एक बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ. इस काम के लिए मेरी फीस 50,000 रुपए होंगी. 50,000. हाँ, बाद में कोई झमेला नहीं चाहिए. हाँ विलियम जी, सौदा पक्का. लड़की की तस्वीर मैं बाई पोस्ट भेज चुका हूँ. तस्वीर भिजवा दी है? वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ तो आप अपनी लड़की का डिस्क्रिप्शन लिखवाइए. नाम लिखो. हाँ, लड़की का नाम है रानी. रानी, नाम रानी. अरे लिखो, मुंह क्या देख रही? अरे मैं कहाँ मुंह देख रहा हूँ, मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ. जी आपको नहीं, सेक्रेटरी को. जी हाँ बोलिए. हाँ, उजला बदन. उजला बदन. हाँ, ब्राउन आंखें. ब्राउन आईज. इधर वापस कहिए. उजला बदन, ब्राउन आईज. हाँ लिखो, उजला बदन, ब्राउन आईज. ब्राउन. लिखो लिखो, घबराओ मत. और लड़की का कद 5'3" तीन नहीं, 5 इंच. 5'5" लिख लीजिए. 5'5" 5'5" लिखो. 5'5" और वजन? लगभग 50 किलो. लगभग 50 किलो. नो सर, 52. तुम्हारा नहीं, उसका वजन. 50. और उसकी ठुड्डी पर एक काला तिल है. राइट साइड. तिन के राइट साइड पर चिल. सॉरी, मेरा मतलब है चिन के राइट साइड पे तिल. लिखो. जी आप फिक्र न कीजिए लाला जी, बस समझिए कि मैं आपकी लड़की के पीछे पड़ गया. जी बस यूं समझिए, आपकी लड़की
मेरे सामने खड़ी है। यस यस। बदन, ब्राउन आइस, चिन पे तिल, कम ऑन, अपनी शक्ल ठीक से देख लो और याद रखो क्योंकि वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की है। हमें उस लड़की को ढूंढने में आसानी रहेगी, समझी? अब मैं जा रहा हूं, तुम ऑफिस की देखभाल करना और हाँ, अपनी शक्ल भूल मत जाना। यस। अपनी शक्ल याद रखना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। उल्लू का पट्टा। मम्मी 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 मम्मी। अब हमारा टोनी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला है जो मुझे 50,000 रुपए देगा। हाँ, 50,000 रुपए मिलेंगे मुझे। अंकल 50,000 मिलेंगे तो टोनी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। अंकल मैं पैसे के बिना ठीक नहीं हो सकता। हाँ बेटा। इसका मतलब है अंकल, ये ताला गोलमाल पैसे का है। बोल बेटा बोल, पैसा गोल क्यों है? दिल्ली दिल्ली जद्दी में होल क्यों है? मिट्टी है ये पैसा ओ लल्लू, मगर मिट्टी सोने चांदी के मोल क्यों है? बोल बेटा बोल, पैसा गोल क्यों है? दिल्ली दिल्ली जद्दी में होल क्यों है? अरे मिट्टी है ये पैसा ओ लल्लू, मगर मिट्टी सोने चांदी के मोल क्यों है? सबके पास हो बराबर पैसा क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। लाइट में बलाबल तो कुछ भी नहीं, रात को जो दूध है वो दिन में दही। नहीं समझे? समझाता हूँ, सुनो। लाइट में बराबर तो कुछ भी नहीं, रात को जो दूध है वो दिन में दही। ये लंबू वो छोटा, तू पतला वो मोटा, ये छोरी वो छोरा, ये काला वो गोरा। लंबा छोटा पतला मोटा, छोरी छोरा काला गोरा। सीधी सादी दुनिया में झोल क्यों है? बोल बेटा बोल, पैसा गोल क्यों है? दिल्ली दिल्ली चच्ची में होल क्यों है? मिट्टी है ये पैसा ओ लल्लू, मगर मिट्टी सोने चांदी के मोल क्यों है? बोल बेटा बोल,
पैसा गोल क्यों है, तेली दिल्ली चलती में होल क्यों है, मिट्टी है ये पैसा ओ लल्लू मगर, मिट्टी सोने चांदी के मोल क्यों है। मिला हाथ लेकिन अजीब सी बात है, मुझे अब तक तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। सब कुछ, सब कुछ बाद में बताना, तुम्हारा नाम बताओ ना। मेरा नाम ही सब कुछ है मिस्टर, सब कुछ। सब कुछ किसके सब कुछ? उसका सब कुछ जिसके सब कुछ होने के इंतजार में मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूँ। काश कि मैं किसी की सब कुछ होती। समझ गया, अगर जो अभी डाक का वक्त न हुआ होता तो सामने राम भरोसे हिंदू होटल में मैं तुमको चाय पिलाने ले जाता। देखो एक काम करो, दोस्ती खाते में आज मैं तुम्हारी डाक ले लेती हूँ और तुम मेरी तरफ से चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना चाय पीने कैसे। देखो ना, तुमने चाय पिलाने की नियत की, बस मेरा तो दिल भर गया। लेकिन तुम एक काम जरूर करना, ये डाक जरूर ले लेना, क्योंकि इस ऑफिस में यही एक चीज है जो सही वक्त पर आती है और लगातार आती है। मैं डाक, तुम चाय? हाँ, आज ये चाय लेंगी और मैं दो डाक पी कर आऊंगा। क्या? अब आज ये डाक लेंगी और मैं दो चाय पी कर आऊंगा। दो चाय? ये लो पोस्ट, मैं भी आता हूँ। चलो चलो जल्दी आना जाली। चाबी कदे जेम्स बॉन्ड, अब ढूंढते रहो रानी को। लवली बेबी, क्या मॉडल है, तुमको देख के तो हमारा अंकल लेंस आउट ऑफ फोकस हो जाता है। क्रिस्टन जी, आई तुम बोला? हम बोला? तुम बोला? ये रुस्तम जी तुम्हारा वास्ते क्या कर सकता है? हमको एक फोटो खिंचवानी है। फोटो? देखो नी, हम जो ये बोलो किस पर्पस के वास्ते चाहिए? ऐसे शौक से। शौक से रुस्तम जी। डॉली जरा आमावनी आमावनी, हम तुम्हारा ऐसा मॉडल निकालेगा बेबी, मॉडल निकालेगा पुलाइट, हम तुमको स्माइल करने को बोलेगा बेबी रेडी, हिलने का नहीं है। जॉनी जॉनी कितनी स्वीट है बेबी, बहुत सरस लागे। जॉनी जरा उभी रहनी बराबर, हाँ फर्स्ट क्लास, जरा जॉनी जरा स्माइल करनी, स्माइल करनी, जरा हाथ अलाउ जे, हाथ अलाउ जे, समझो के, अरे हाथ नीचे का नहीं, अरे कितनी बार बोला बेबी तुमको हाथ नीचे के करो, तू समझ, अरे बस आप क्या कर रहे हैं? इस लड़की की तस्वीर को बड़ी कर कर अपने प्रॉब्लम छोटे कर रहा हूँ। बस अगर आप बहुत बिजी ना हो तो एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो पूछो, मैं एक साथ दो काम कर सकता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी तो मेरे साथ होगी अगर मुझे 50,000 रुपए ना मिले तो। आप एक बेकसूर को पकड़वा देंगे सिर्फ 50,000 के लिए? सिर्फ 50,000? तुम 50,000 की कीमत जानती हो? मेरे लिए ये 50,000 ही सब कुछ है। पर तुम तो ऐसे बहस कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पकड़वा रहा हूँ। उल्लू के पट्टे, इतनी आसानी से तो मुझे मेरा बाप भी नहीं पकड़वा सकता। बॉस, कोई प्रेम नारायण ताजी आए हैं। पिताजी, तो मैं छुप जाती हूँ। तो तुम क्यों छुप रही हो? बॉस, मेरा मतलब है कि आपके साथ जो क्लाइंट की बात होती है वो प्राइवेट होती है ना, मैं रहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा आपने तो सिखाया था। नहीं सिखाया? हाँ, वो पढ़ते सिखाया था। मैंने सिखाया था? मैंने कब सिखाया था? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। अच्छा तुम छुप जाओ, लेकिन उसको मत बताना कि तुम छुप गई हो। हाँ, गो 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 गो, कम यार सब कुछ।
देखो ये कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, ऑफिस के बाहर नहीं जाने पाए। मैं ऑफिस के बाहर चला। तुम ऑफिस के बाहर मत जाओ, केबिन के बाहर जाओ। गो गो क्विक क्विक। आइए आइए पिताजी। हा 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 पिताजी, क्या आपने इसे गोद लिया है? वाह वाह वाह, क्या जोक फरमाया है। देखो जी, हाँ। मुझे जोक वो की आदत नहीं है, पहले काम की बात कीजिए। हाँ, तो काम की बात देखिए, विलियम बोस भाई साहब, एक तो बेटी होती है पराया धन, फिर उसकी माँ ने धन के लालच में, वन मिनट, काय के लालच में, धन के लालच में उसे पराया करना चाहा। माँ बेटी की बहस हो गई, नोक झोक हुई, इसने उसे ताना मारा। बस हमारी रानी बेटी गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई। धन के लालच में मैंने उसको पराया करने की कोशिश की। अगर एक माँ अपनी बेटी के लिए सुख चैन की जिंदगी चाहे तो क्या उसमें उसका कसूर है? Yes. मैं तो ये चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई ऐसा घर मिले जहाँ उसको घर की देखभाल करने की कोई झंझट ना हो, उसको रोटी पकानी ना पड़े, उसको ना कोई पूछने वाला हो, ना उसको किसी से कुछ पूछना पड़े, बस दिन भर खाती रहे, पीती रहे और मौज उड़ाती रहे। क्या ऐसा सोचना मेरा कसूर है? नहीं नहीं है। मतलब ये कि आपको अपनी बेटी के लिए एक बोतल की, मेरा मतलब एक होटल की तलाश। तुम कहना क्या चाहते हो डिटेक्टिव? सिर्फ इतना ही कि एक अच्छी लड़की तभी शादी करना चाहेगी जबकि लड़का अच्छा हो। लड़का भले ही कड़का हो लेकिन उसकी नजर लड़की के पैसों पे नहीं होनी चाहिए, लड़के की नजर में होनी चाहिए सिर्फ लड़की लड़की लड़की। मैं अब तक आपकी लड़की को मिला तो नहीं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी लड़की नहायत ही शरीफ, ईमानदार और अच्छी है। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी की जरूरत है। तुम उसे ढूंढोगे डिटेक्टिव? ढूंढो क्यों ढूंढो? सिर्फ इसलिए कि आप अपनी मनमानी कर सके। एक शरीफ समझदार लड़की अपने माँ बाप के घर का ऐशो आराम छोड़कर क्यों भागी? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जिंदगी बना सके, और जिसे आप अपने प्यार के लिए नहीं सिर्फ इसलिए वापस बुलाना चाहते हैं ताकि आप अपने घिसे पिटे पुराने आउटडेटेड आइडियाज उस पे ला सके। शट अप! मैं यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, चलिए यहाँ से। अभी अभी तो पैसों के लिए रो रहा था और अभी कह रहा है कि शादी पैसों के लिए नहीं करनी चाहिए। खोपड़ी थोड़ी सी उल्टी है मगर आदमी अच्छा है। वाह बॉस, आपने तो कमाल कर दिया, मिला हाथ। एक मिनट, मैं तेरा ग्लव्स पहन। लेकिन हाथ मिलाने के लिए ग्लव्स क्यों? मैं खुले हाथ किसी भी लड़की के साथ हाथ नहीं मिलाता। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खाई है कि जिस लड़की के साथ खुले हाथ मिलाऊंगा शादी उसी से करूंगा। लेकिन तुम ये मतलब मिला रही हो किस बात के लिए? आपने रानी की मम्मी को जो जवाब दिया ना, एकदम करेक्ट था। आप ही ने रानी को ठीक पहचाना। अरे मेरा बस चलता तो मैं रानी को सिर्फ इसलिए ढूंढ निकालता ताकि मैं उसे कह सकता कि अपनी माँ के पास कभी नहीं जाना। राइट। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत है। चाबी 8 लीटर भरो, सिर्फ 8 लीटर, ज्यादा नहीं है। लेकिन सर, आपको ये यकीन कैसे आया कि रानी हमें इसी क्लब में मिलेगी जहां हम जा रहे हैं? तुम ये मत भूलो कि तुम किसकी सेक्रेटरी हो। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ विलियम। स्टॉप। Thank you.
ये घेरा दीवाने तेरा डेरा तू नाम सुन ले मेरा बमेरा बमेरा वादिया अगन की ये घाटिया बदन की ले लूट ले चमन की हसीना 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 दुल्हन के ये नाद पाले तेरे लिए मैंने पाले ये अंधेरे ये उजाले आजा मेरे मतवाले तू भी यहाँ है जवानी ये तेरे लिए जानी तू पूरी हो कहानी बैठी है लाल कपड़े में डायरेक्ट मत देखो लेकिन वही है ना ठीक है ना लेकिन ये रानी कैसे हो सकती है कैसे नहीं हो सकती मेरा मतलब है कि उसके चिन पे तिल कहाँ है तिल मेकअप के अंदर भी छुपाया जा सकता है लेडीज एंड जेंटलमैन कम ऑन टू द फ्लोर एवरीबॉडी लेट्स डांस के साथ कम ऑन अब हाय रानी हाय राजा जानी लड़की वही लड़की है देखिए हमने आपको पहचान लिया ना रियली यू आर वेरी स्मार्ट ओहो स्मार्ट बोलती है तो क्या हो गया चलिए कहाँ घर घर जी किसके आपके मेरे घर लवली लवली बेबी तू हमको इधर भी मिल गया बहुत सोची लग रही है सेक्सी दिखता है तू यू नॉट नी बेबी तुमको उल्लू बना गया तुम हमारा स्टूडियो
हम तुमको कितना टाइम बोला लड़के लोग से बात नहीं कवर तुम्हारा डोलियो तुम जानती हो किससे बात कर रही थी ओ कम ऑन डॉक्टर इसमें नाराज होने की क्या बात है मालूम है वो डिटेक्टिव है जी हाँ डोंट टेल मी लेट्स गो हरी अप मस्ट इनफॉर्म योर बॉस सर वो लड़की यहाँ पे कौन चौक रे तुम अयो नहीं तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा कौन तम हमारे बोरी को आठ लगा ना हम आओ रोजी डार्लिंग हाउ आर यू कैसी रही तुम्हारी पार्टी क्या बात है रॉकी एनीथिंग इज रॉन्ग सर आज रोजी की वजह से हम सब फंसने वाले थे ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव से बात कर रही थी आई एम सॉरी सर मैं जानती नहीं थी कि वो एक डिटेक्टिव है जानती नहीं थी तो बात करने की क्या जरूरत थी सर वो मुझसे खुद बातें करने की कोशिश कर रहा था रोजी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे बिजनेस में पुलिस और डिटेक्टिव से हमें कदम कदम पे बचना चाहिए सर उस डिटेक्टिव ने हो सकता है हमारा पीछा भी किया हो ये भी हो सकता है कि उसे हमारे बारे में काफी कुछ मालूम भी हो गया हो बेवकूफ लड़की पता कौन था वो डिटेक्टिव मैं सच कह रही हूँ सर मैं उसे नहीं जानती वो मुझसे क्यों बातें कर रहा था मैं वो भी नहीं जानती ओके एक प्राइवेट डिटेक्टिव का हमारे बारे में कुछ भी जानना ठीक नहीं उस पे निगाह रखो उसे समझो और अगर वो हमारे रास्ते में आने की कोशिश करे तो अयो सत्यपुत्र सुब्रमण्यम स्वामी अया या अरे टहरो जी डॉक्टर वो गन हमारा हाथ में फिक्स कर दो हम विलियम को फिक्स कर देंगे बांधो ना डॉक्टर बांधो अयो सत्यपुत्र सुब्रमण्यम स्वामी मेरे जानी दुश्मन अब कैसा लगता है तू भूल गया था कि मशहूर डिटेक्टिव विलियम बोस के चमचे सब कुछ से तेरा पाला पड़ा है अब तू मरेगा चूहे कुत्ते की मौत मरेगा ये चूहे पकड़ने की डिबिया नहीं सब कुछ का टॉर्चर चैम्बर है यहाँ तेरी खटिया खड़ी हो जाएगी अब तो रोज रोज एक लंबी सलाख लेकर उसे तपते हुए अंगारों पे गर्म करूंगा और फिर तेरी नाक में खोच दूंगा सलाख चूहा भाग न जाए अयो डिटेक्टिवा अब हम तुमको नहीं छोड़ेगा जी हमारा एक बार पैसा लिया है और बार बार हड्डी तोड़ा जी हम तुमको चूहा बना देंगे अयो चूहा मुश्किल चूहे मरने के लिए तैयार हो जा तेरा अल्लाह भगवान या गॉड जो भी है उसको याद कर ले ये ले बड़ा सख चूहा है चीखा तक नहीं चूहा फरार अरे ओ कुत्ते की औलाद तू जहां भी छुपा है सुन ले जिस दिन सब कुछ के हाथ में आया उस दिन तुझे जला मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस घटिया ड्रेस में इस बढ़िया धूप में इस सड़िया गाड़ी में क्यों बैठे हैं
अगर तुम खूबसूरत लड़की नहीं होती ना तो मैं तुमको चाटा मार देता। स्टूपिड क्वेश्चन, तुम्हें ये समझ नहीं आता, उस लड़की ने हम दोनों को क्लब में देख लिया है, अगर हम भेष नहीं बदलते तो हमें पहचान जाएगी, और जो लड़की दिल्ली से बंबई तक भाग सकती है वो बंबई से लंदन भी भाग सकती है, और अगर वो लंदन भाग गई तो मेरे 50,000 रुपयों का क्या होगा। वो लड़की उस बिल्डिंग में पहुंचे तो मिल गई ना, मैं कपड़े उतार लूं, मेरा मतलब बदल लूं। स्टूपिड क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन, अभी तो तुमको नाचना है, गाना है, और वो जो चार स्पेयर पार्ट बिल्डिंग के गेट पर बैठे हुए हैं ना, उन्हें मेरे रास्ते से हटाना है। मैं अकेली नाचूंगा, और वो गुंडे? डोंट बी नर्वस, घबराओ मत, भगवान का नाम लो। अरे ओ, ओ बाबू जरा सुनो भाई सुनो, मैंने कहा सुनो, घुंघरू बजा के जलवा दिखा के सबको नचाओ रे, घुंघरू बजा के जलवा दिखा के सबको नचाओ रे, ओ हो ओ मेरे लाला सुनो, सुनो ओ मेरे छैला सुनो, ठुमका लगा के मजमा जमा के सबको दिखाऊं रे, अरे ठुमका लगा के मजमा जमा के सबको दिखाऊं रे। जमा जमा के सबको दिखाऊं रे, घुंघरू बजा के जलवा दिखा के सबको नचाऊं रे। सुनो, ओ मेरे छैला सुनो, अरे बाबा सुनो, अरे ठुम
का लगा के मजमा जमा के सबको दिखाऊ रे। अरे ठुमका लगा के मजमा जमा के सबको दिखाऊ रे। ठुमका लगा के मजमा जमा के सबको दिखाऊ रे। ये सूरी साहब को माल पहुंचा दिया? यस मैडम। और हाँ, ये प्रीतम साहब के डब्बे भर दिए? कुछ डब्बे भरने बाकी है। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, 4 बजे तक माल पहुंचाना है भाई। ओके। रोजे, अभी भी बॉस का फोन आया है कि चिंगलिंग नाम का एक आदमी कोरिया से हमारे इस गोदाम में माल लेने आ रहा है। ओके। लेकिन कोड वर्ड क्या है? लंबी मूंछ। लंबी मूंछ। ए, कौन है तुम? चिंगलिंग, चिंगलिंग। है? चिंगलिंग, कोरिया से आया। चिंगलिंग? यस, माल का डिलीवरी। यस, चिंगलिंग। चलो हमारे बॉस के पास। बॉस। चलो। चलो। सर, ये चिंगलिंग साहब है। हाँ। कोरिया से आया। हेलो, हाँ, हेलो मिस्टर चिंगलिंग, हाउ आर यू? हेलो, फाइन। कब आया आप? इस इवनिंग। हाँ हाँ। हमको माल का डिलीवरी मिलता। अभी लोड करा देते हैं। पर लेकिन वो नहीं, हमको वो माल नहीं, हमको ये माल बनता। लेकिन पासवर्ड क्या है? पासवर्ड लंबी मूंछ। लंबी ना, लंबी मूंछ। यस। हे, क्या लंबी मूंछ? डिटेक्टिव, आप यहाँ आ तो गए हैं मगर जा नहीं सकते वापस, समझे आप? लग गया इतना जोर से थोड़ा मारते हैं, पागल आदमी है तू। Thank you.
मेरे पतलून बोल। इतनी देर क्यों लगा दी? न जाने क्या कर रहा होगा, किस हाल में होगा। राम बोलो भाई। राम बोलो भाई। राम राम बोलो भाई। राम अभी चलो भाई। चलो राम राम। एक बार हमारी शिकस्त हुई तो क्या हम हार मान गए? नो no. क्या हमने बुजदिल होके केस को छोड़ दिया? नो no. क्या हम मैदान जंग से भाग गए? करेक्ट। क्योंकि सच्चा जासूस वो... Excuse me, sir. आप सच्चे जासूस की डेफिनेशन दे रहे हैं? Yes. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं नोट करती हूँ और आप डिक्टेट कीजिए और मैं इसकी कॉपी हमेशा आपकी जेब में रखूंगी ताकि दोबारा हमारी हार कभी ना हो। राइट। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। टेक डाउन। तुम जरा टाइपिंग बंद करो प्लीज। डियर सर, सच्चा जासूस वो होता है जो कभी अपने दुश्मनों को अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं देता, बल्कि उसे ये महसूस कराता है कि सच्चा जासूस कम ताकत है, बेअकल है। इस तरह से वो उसे मिसगाइड करता है। रोजी डार्लिंग, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। यू नो भाई, हमें ऐसे हीरे मिले हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपया हो सकती है। really? हाँ, और मेरा सबसे कीमती हीरा जानती हो कौन है? तुम। ओह डार्लिंग, रियली यू आर माय कोहिनूर। और तुम जैसे कीमती हीरे को लेकर मैं बहुत जल्द इंडिया छोड़ दूंगा। लेकिन डार्लिंग, हम जब तक यहाँ हैं हमें उस डिटेक्टिव से बहुत बच के रहना पड़ेगा। क्यों? ना जाने क्यों मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। देखो ना, कल एक बार फिर मेरा पीछा करते करते वो अंधेरी वाले ऑफिस तक पहुँच गया था। हमारे आदमी ने उसे इतना पीटा कि उसकी पैंटी उतार दी। मुझे लगता है वो बच गया। बच निकला? What do you mean बच निकला? लेकिन फिकर की कोई बात नहीं, लव। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो किसी रानी नाम की लड़की को तलाश कर रहा है और रानी मुझे समझता है। मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर है। उसे फांस कर ऐसी जगह बुलाऊंगी जहाँ हमारे बॉयज उसका काम तमाम कर देंगे। You are smart, baby, तो अभी उसकी मौत का चक्रव्यूह घुमाओ। ओके सर। हेलो हेलो, मैं स्पीक टू विलियम बोस प्लीज। सर, कोई लड़की है। लड़की? हेलो, डिटेक्टिव विलियम बोस स्पीकिंग, बताइए आप कौन है। पहचान लीजिए डार्लिंग, इस लाइन पे रोज के 10 टेलीफोन आते हैं, बताइए आप कौन है। कमाल है, जिसे ढूंढ रहे हैं उसे ही नहीं पहचानते। ओहो, ये टेलीफोन है, कोई टेलीविजन तो नहीं है, मैं आपको देख नहीं सकता, बताइए आप कौन है। बस भूल गए रज्जत जानी। रोजी, यू मीन रानी? पहले क्यों नहीं बताया? या आखिर आपने मुझे पहचान नहीं लिया? प्लीज गो, प्राइवेट कॉल है। यस सर। हाँ तो बोलो। सुनो डार्लिंग, जब से मैंने तुम्हें पहली बार क्लब में देखा तुम मेरे दिल में आ बसे हो, और उस दिन तुमको गुंडों के साथ लड़ते देखकर तो मेरे दिल में बहुत चोट लगी है। लेकिन रानी, जो तुम कह रही हो अगर वो ठीक है तो उन गुंडों का साथ छोड़कर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैंने वैसा ही किया है डार्लिंग, मैं उन गुंडों के हाथों से भाग निकली हूँ, लेकिन प्लीज हेल्प मी, वो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन तुम हो किधर इस वक्त? मैं बैंड्रा बैंडस्टैंड के पास हूँ। एक मिनट, बैंड्रा बैंडस्टैंड ईरानी होटल के पास। ओके। देखो प्लीज तुम जल्दी आओ, संभल क्या ना, गुंडे बहुत खतरनाक है। अरे मैं एकदम तैयार होके आता हूँ, हॉर्लिक्स पी के। जा
कोशिश तुम एक लाचार बेचारी मासूम लड़की उसके पीछे गुंडे पड़े जान खतरे में और ये करने की समझने की कोशिश करो तो ठीक है इस पतलून के नीचे एक पतलून और पहन लेना डबल पतलून क्यों ताकि गुंडे जब दोबारा तुम्हारी पतलून उतारे तो काम आए आपकी बार उन तमाम गुंडों की पतलून मैं उतारूंगा और उन्हें हॉस्पिटल में परेड करवाऊंगा हाँ नहीं तो मेरा नाम ये मेरा नाम विलियम बोस नहीं यस नहीं देती कहां गई रानी तुम हो डिटेक्टिव विलियम बोस यस मैं हूं विलियम बोस डिटेक्टिव नंबर वन ट्रेन्ड इन स्कॉटलैंड आप रोजी से क्यों मिलना चाहते हो रोजी मैं कोई रोजी से मिलने नहीं आया मैं तो रानी से मिलने आया हूं यस रानी रानी आप रोजी से मिलने आए हैं ना आपके लिए मैं आवाज लगा दूं या आप ही पुकारेंगे उसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो विलियम बोस साफ साफ बताओ तुम रोजी से क्यों मिलना चाहते हो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं रोजी से मिलने नहीं आया हूँ मैं रानी शट अप तुम रोजी को रानी कहकर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो और तुम रानी को रोजी कहकर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मेरा नाम है विलियम बोस और मैं नहीं खाऊंगा आपका ढोस मैं तुम्हारा अभी बनाता हूँ टोस्ट अरे ये तो असली मारता है देखो साहब आपको रोजी मिलने नहीं आई उसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों उतार रहे हो मुझे रानी मिलने नहीं आई क्या मैं आप पे गुस्सा उतार रहा हूँ क्या मैं आपको साला बहुत बोलता है तो आप फाइट करने का मूड में मैं भी चाइनीज यूनिवर्सिटी का कुंग फू चैंपियन हूँ ये तेरी पट्टी अड़ा
है नालायक बदतमीज। अभी बता दो लड़का और हमें चला है पट्टी पढ़ाने। हराम सादा। विली, ये प्राइवेट डिटेक्टिव विलियम बोस का ऑफिस है। जी हाँ। देखिए, मैं नानावती हॉस्पिटल से डॉक्टर रफीक बोल रहा हूँ। मिस्टर बोस को यहाँ एडमिट किया है, उन्हें चोट लगी है। जी, मैं अभी आती हूँ नानावती हॉस्पिटल। यस यस। सिस्टर, विलियम बोस कौन से कमरे में है? रूम नंबर 9 में है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत चोट आई है क्या? ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी, चोट ज्यादा नहीं आई है। मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, आप ये दवाइयां ले आइए। डॉक्टर साहब। यस। हमारे नेता से नम्रता प्रसाद जी का पार्थिव शरीर कहाँ रखा है? हम उन्हें लेने आए हैं। नम्रता प्रसाद जी? जी। आप 6 नंबर में जाइए। धन्यवाद। चलो। संभाल के भैया, संभाल। हाँ जी, नम्रता। दूसरे कमरे में शिफ्ट किया है क्या? नहीं तो। पर वो तो कमरे में नहीं है। अरे, आइए देखिए, आइए देखिए डॉक्टर। ओह, देखा? अरे, इसका मतलब उसे वो स्वयं सेवक ले गए। स्वयं सेवक? बंधु, आज का प्रसंग ही कुछ ऐसा है कि मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कौन नहीं जानता कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है। इसीलिए तो हमारे समाज के लीडर नम्रता प्रसाद जी का भी देहांत हो गया। वो हमारे ऐसे लीडर थे कि जिनके बारे में जो कुछ भी कहूं कम है। और जब लीडर की ही बात निकली है, मुझे फिल्म लीडर की याद आ जाती है। फिल्म लीडर में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने इतनी धुआंधार स्पीच दी कि जितनी मैं भी नहीं दे पाता। और नहीं दे पाऊ तो भी क्या हुआ? शाहजहां के सिवा आगरा का ताजमहल भी और कोई नहीं बना पाया। लेकिन कौन कहता है कि आगरा में सिर्फ ताजमहल ही मशहूर है? वहां के जूते भी मशहूर है, और मशहूर है वहां का बेटा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर हम पेठा खाना चाहे तो जूते नहीं खरीद सकते, और जूते पहनना चाहे तो पेठा नहीं खा सकते। नम्रता प्रसाद जी, मैं नम्रता प्रसाद जी के बारे में ही बता रहा था। नम्रता प्रसाद जी, उनके आदर्श हिमालय की चोटी से भी ऊंचे थे, और हिमालय की चोटी पर एडमन हिलरी और हमारे देश के
टेंथिंग नॉर्के ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन आजकल तो दुनिया वाले चांद तक पहुंच गए। मैं खुद तो गया नहीं, लेकिन कहते हैं बहुत जल्दी वहाँ लोग रहने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भले ही चांद की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन हमारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम हल हो जाएगी। पॉपुलेशन प्रॉब्लम हल करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि नम्रता प्रसाद जी का देहांत, ये शोक सभा है। मैं उन्हीं के बारे में ही बता रहा था। बंधुओं, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नम्रता प्रसाद जी का देहांत हो गया है। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर आज नम्रता प्रसाद जी हमारे बीच बैठे होते तो ऐसी खलबली मचा देते। रानी को ढूंढेंगे, रानी तो हर वक्त नजर के सामने ही रहती है, पहचाने तब ना, कुछ हो जाता तो। अरे तुम रो रही हो, समझ गया, तुम्हें ये फिक्र है कि तुम्हारी तनख्वाह कौन देगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। नहीं मेरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसी बातें करते हो, जब देखो तब ऐसे। मेरा मतलब है आपको कुछ नहीं होगा बॉस। अरे ये क्या हुआ मुझे, मुझसे ही अनजान रहकर मेरे ही ये कदम धीरे धीरे यहां तक कैसे पहुंच गए, ये कहां आ गए हम। नो, बॉस नहीं, विलियम, विली। आप तो कहते थे कि आप किसी लड़की को छूते नहीं। साथ में ये भी कहा था कि अगर छू लूं तो उसका मतलब कुछ और ही होता है। इस और का मतलब क्या समझो? मतलब ये कि जिंदगी भर उसका हाथ थामे रखना, जिंदगी भर उसका साथ निभाना। लेकिन लड़के से भी तो पूछना चाहिए कि वो साथ निभाना चाहती है या नहीं। अगर वो साथ निभाना ना चाहती तो हाथ छुड़ा के भागना जा। धीरे धीरे लो कहां
जाने क्यों मुझे ढूंढने के लिए अपनी जान पे खेलता रहता है। 50,000 रुपए, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000। ओ, ये हो कम। तुम अच्छी सेक्रेटरी हो। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं बिना ग्लव्स के किसी लड़की को हाथ नहीं लगाता। मैगजीन, मैगजीन के 3 रुपये। तुम लोग मैगजीन छापते हो या मुसीबत छापते हो? देख देख ये क्या। अरे अरे रानी रानी रुको, रानी रुक जाओ। देखो तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढ रहे हैं। हम लोग बहुत कड़के, हम लोग को पैसे की सख्त जरूरत है। रुक जाओ रानी। अरे तुम घर से तो भागी, मेरे से क्यों भाग रही हो? रानी रुक जाओ, देखो रानी रुक जाओ। देखो मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। देखो रानी, मार के गई। अरे काश बहुत साथ में होते, मैंने आज तक कभी लड़की नहीं पकड़ी। कैसे पकड़े उसको? अरे तो चूड़ी अंदर घुस गई। अरे सब कुछ संभाल, तेरे गिरेगा यार। अरे तू भी घुस जा। नहीं, सब कुछ चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, जल्दी पकड़ लपक ले उसको। देख निकल ना जाए, हाथ तो बहुत पड़ेगी। अरे भाग, अरे लाल बत्ती ऑन है, भाग, सब कुछ जल्दी भाग। क्या हुआ बॉस? वो 4:20 की अंधेरी फास्ट ट्रेन पकड़ के भाग गई है। ये ट्रेन कौन से रूट से जाती है? जेटली साहब के घर के पास से जाती है। जेटली साहब के घर के, चलो धक्के मारो, कोई धक्का। अच्छा बॉस, रेडी? धक्का मारता बहुत कम निकल गया। अरे 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 हम गियर को छोड़े का बात। बच के जाएगी। ए, 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 रुक जा, फड़का के कपड़े में भाग ली। छोड़ना नहीं उसको, बस जाने दो।
सब कुछ बॉस, हम जिस गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो तो स्टेशन पे आ पहुंची है, लेकिन रानी का कोई पता नहीं है। रानी, 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 रानी देखो, रानी रुक जा, देखो बहुत छुपा छुपी होगी, रानी रुक जा, रानी, रानी रुक जा, देखो मेरी बात मानो, देखो बहुत दौड़ा है तुमने मुझे आज। बॉस, बॉस दौड़ाओ जल्दी, लपक लो, भाग जाएगी। बॉस ये खटा रहा, ऊपर चढ़ेगा नहीं, धक्का मार मार के मेरा दम निकल जाएगा। अरे हैंडल किधर है? अरे धक्का मारो, चल गई डब्बा, चल गई। हाथ में कुछ, मुंह में कुछ, अरे 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 जगा दे भाई अंदर जाने की। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऊपर नहीं जा रहे हैं? क्या करूं, जगा ली। ओके ठहरो 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 ठहरो, स्पेशल मॉडल कार ही आई है, एक मिनट रुक जा। चल घुस जा अंदर, नीचे क्विक क्विक, देख क्या गर्म होगा। चल इसकी छात का अंडा, ठीक 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 से थूक लगा, अरे बहुत फास्ट थोड़ा थूक लगा, एक मिनट। बहुत गलत जगह पर घुस गए, अच्छी जगह पर नौ में घुस गए। समझ जा, सब कुछ समझ जा, पीछे पुलिस की गाड़ी है, पुलिस इज बिहाइंड, स्लो कर लो, स्पीड स्लो करो, फास्ट जाओगे तो उनको शक आएगा, आहिस्ता से चलो। हाँ बिल्कुल शक नहीं करेंगे वो, उनको चीज है ऐसा मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ तो चलो, आ रहे हैं वो भी चला। चलो करंट दे, करंट दे, इधर करंट दे, ये देख। जय इंद्रप्रस्थ बिल्डर्स, चलो। और आपकी उंगलियों में दर्द कमाल है, आप तो मेडिसिन हो गया, भाषा निकले। पांडु हवलदार, इसको मैं घुमाता हूँ, देख देखो रोजी। Thank you.
कंपनी है। हो गया। गुड, लेकिन इतनी देर कैसे लगा? क्या करें बॉस, रास्ते में वो पागल डिटेक्टिव हमारे पीछे पड़ गया था। अच्छा, पीछे पड़ गया। नॉट टू वरी, रॉकी ने आज इस तरह धुआंधार जीप चलाई, ऐसा उसको डॉट दिया कि उसकी गाड़ी सीधी पानी में। अब तक तो उम्र भी चुका होगा। वेरी गुड। देखो तुम यहाँ डरो, मैं वहां जाता हूँ। सड़ेली मच्छी, बहुत जल्दी उतरो। कौन? यहाँ तो कोई नहीं है बॉस। देखो देखो, ठीक से देखो, यहाँ पे जीप में देखो, बोनेट में देखो, गाड़ी किसकी खड़ी है, टिक्की में देखो, बोनेट में, पेट्रोल की टंकी देखो। अरे ये गाड़ी तो बैंड रही थी। कातिल यही कहीं है। अरे कोई है? अरे कोई सो गया नीचे? बंदूकधारी कौन है ये? मर गए। पिस्तौल निकाला आपने? देखिए, हमारी आपके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे मच्छी लपक लो। अरे चलो अब कहाँ जाओगे? कम ऑन इंस्पेक्टर, इन दोनों को ले चलिए। Come on. हाँ तो आप अपना कंप्लेंट लिखवाइए। हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों को हवालात में बंद कर दीजिए। लड़की अपने घर से भागी हुई है। अब लड़की तो ये भागी है, पर मुझे क्यों अंदर किया जा रहा है? यस यस, ये लड़का तो अपने घर से भागा हुआ नहीं है, ना इसके बाप ने मुझे एंगेज किया है। इसे जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। हवलदार, इनको छोड़ दो। अरे लेकिन मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? आप कंप्लेन लिखिए। ये लड़की दिल्ली के पिताजी की बेटी है, इनके पिताजी मेरे क्लाइंट है, ये लड़की अपने घर से भागी हुई है। सर ये झूठ बोलता, मैं घर से भागी नहीं हूँ। ओ यू शट अप, आप इसकी कोई बात मत सुनिए, आप कंप्लेन लिखिए। सर मान लीजिए कि मैं घर से भागी भी हूँ, लेकिन आप मुझे फिर भी हवालात में बंद नहीं कर सकते। आई एम नॉट अ माइनर, आई एम एडल्ट, मैं 25 साल की हूँ, अंडरस्टैंड? हाँ, ये 25 साल की है, मैं कहाँ कहता हूँ कि 24 साल की है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये लड़की अपने घर से 25,000 रुपए चुरा के भागी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनके पिताजी दिल्ली से बात कर लीजिए, मैं उनका नंबर देता हूँ आपको। मच्छी वो गाड़ी में, मैं खुद फोन कर लेता हूँ, मे आई यूज द टेलीफोन? थैंक यू। सर ये बिल्कुल झूठ बोलता है, मैंने कोई 25,000 नहीं चुराए हैं। हवलदार इसको अंदर कर दो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं घर से भागी भी नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सर प्लीज, सर यू लीव मी, यू लीव मी, आई सेड। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं चोर नहीं हूँ। मैं सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, और यू सेड 5-4। हेलो पिताजी, हा 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 हा, मैं विलियम बोस बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। जी जी, आपकी बेटी मिल गई है जी। कहाँ है जी? हवालात में, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन। आप पहली अवेलेबल फ्लाइट से चले आइए बॉम्बे, साथ में माताजी को भी लेते आइएगा जी।
जी वो हाँ वो 50,000 रुपए लेते आइएगा। थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो सेक्रेटरी सुनो, तुम फौरन एयरपोर्ट चले जाओ, दिल्ली से मिस्टर एंड मिसेस ताजी आ रहे हैं, उनको रिसीव करो। हाँ? और सीधे भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन लेके आओ। क्या भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों सर? स्टूपिड क्वेश्चन, फूल, रानी को अरेस्ट किया है, उसको हवालात में बंद किया। क्या रानी पुलिस स्टेशन में है? ओह सर, यू आर लाफिंग, डोंट लाफ ब्लडी फूल, डू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड। यस यस सर। आइए, आप गाड़ी यहीं रोकिए, हम अभी आते हैं। क्या यही है? डिटेक्टिव है, कितनी जल्दी पता लगा लिए। विलियम बोस। पिताजी। विलियम बोस, तुम्हारा टेलीफोन मिला, हमने फ्लाइट पकड़ी, सीधे बंबई पहुंचे, सेंट्रल होटल में सामान रखा और सीधे यहाँ चले। चुप रहो, हमारी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी सही सलामत है पिताजी, लेकिन पहले मेरा इनाम। हाँ तुम्हारा इनाम। जल्दी। सिर्फ इनाम मांगा है? इनाम ही दे रहा हूँ भाई। अरे जल्दी जल्दी। ये लो 50,000 रुपीज। बेटी कहाँ है? बेटी आपकी, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बेटी। आइए आइए मेरे साथ। चलिए चलिए चलिए। ओहो, आइए चलिए चलिए चलिए। बेटी कहाँ? हमारी बेटी वो रही आपकी बेटी। बेटी क्या, ये हमारी बेटी नहीं है? हाँ। आप क्या कह रहे हैं, यही है आपकी बेटी? ये हमारी बेटी नहीं है। नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं मिस्टर ताजी? आपने जो तस्वीर मुझे भेजी थी, ये लड़की वही है, ये रही वो तस्वीर, देखिए। खैर, ये तस्वीर इस लड़की की, लेकिन ये तस्वीर मैंने तुम्हें नहीं भेजी। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि ये डिटेक्टिव डिटेक्टिव में कोई दम नहीं होता, मुझे खाम खाम में मुंबई खींच कर ले आए। मैं बैंगन का भरता बना रही थी, वो भी अधूरा रह गया। भरता तो मैं बनाता हूँ इसका। मेरा टाइम खराब किया, मेरे पैसे बर्बाद किए। मिस्टर विलियम बोस, पैसा तेरी मैं। मिस्टर ताजी, ये पुलिस स्टेशन है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पूछिए। क्या ये लड़की आपकी बेटी नहीं? जी नहीं, नहीं। क्या ये लड़की आपके घर से 25,000 रुपए लेकर नहीं भागी? जी नहीं। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। डिटेक्टिव बोस, अब मैं तुम्हें दिल्ली बुलाकर छोड़ूंगा। चलिए, अगर पहले ही बात मान जाते थे तो अच्छा नहीं होता था। हवलदार, इस लड़की को छोड़ दो। मिस्टर बोस, आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर एक बेगुनाह लड़की को बंद करवाया, मैं आप पर कार्रवाई कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कार्रवाई कीजिए, लेकिन इसे किसी हवालात में नहीं, पागलखाने भेजिए। यू फूल। मिस्टर बोस, आपके पास प्राइवेट डिटेक्टिव का लाइसेंस है, इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। अंकल अंकल, टॉनी की तबीयत बहुत खराब है। चलो टोनी, टोनी क्या बहुत सीरियस है? इसको आज ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं मम्मी, मुझे आज 50,000 रुपए मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिले। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं मम्मी? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ मम्मी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। शायद पैसे कभी ना मिले, मेरे मुकदमे में शायद टोनी को बचाना नहीं लिखा। मैं फेल हो गया मम्मी, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया मम्मी। सर। तुम?
सर मैं एयरपोर्ट पहुंची तो दिल्ली से प्लेन आ चुका था और जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो पता चला कि आप यहाँ आ गए। लेकिन तुम्हें वहाँ किसने बताया कि मैं यहाँ आया हूँ? सर मैंने सब आपकी बातें सुन ली हैं। मैं आपको 50,000 रुपए दिलवा सकती हूँ। लेकिन तुम कैसे दिलवा सकती हो? वो जो मिस्टर पिताजी है ना उनको उनकी लड़की मिल जाएगी तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मैं विलियम बोस लड़की को नहीं ढूंढ सका तो तुम कैसे ढूंढोगी? सर कुछ काम अपनी सेक्रेटरी पर भी छोड़ दीजिए। मिस्टर पिताजी कहाँ ठहरे हुए हैं? सेंटोर होटल। ठीक है कल 11 बजे लड़की और पैसे दोनों आपको मिल जाएंगे। टोनी को फौरन हॉस्पिटल भर्ती कर दीजिए। लेकिन पैसे मिल जाएंगे कल सवेरे 11 बजे। गुड मॉर्निंग आइए आइए मिस्टर विलियम बो। भाई आपका भी जवाब नहीं है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन लड़की कहाँ है? आप भी कमाल का मजाक कर रहे हैं। ये रही हमारी बेटी हमारी रानी। मजाक तो आप कर रहे हैं मिस्टर ताजी, ये तो मेरी सेक्रेटरी है। नो बॉस, मैं ही इनकी बेटी हूँ। मैंने ये तस्वीर बदल दी थी आपको धोखा देने के लिए। लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। जब लड़की मैंने ढूंढी नहीं तो मैं आपके पैसे कैसे दे सकता हूँ? ये लीजिए आपके पैसे। लेकिन बॉस। वाह भाई वाह, ये हुई ना कोई बात। कितना शरीफ मुंडा है। लेकिन इसको क्या हो गया? पता नहीं। लेकिन तुमने ही तो कल कहा था आज 11 बजे 50,000 रुपए मिल जाएंगे, इसलिए टोनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। अच्छा ही किया जो उसको एडमिट कर दिया। टोनी का बचना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन अभी उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे और ऑपरेशन के बाद 50,000 रुपए चाहिए ना मम्मी। मम्मी जो दांत देता है वही दूध देता है, तुम चिंता क्यों करती हो? लेकिन कैसे? हो जाएगा मम्मी हो जाएगा, तुम चिंता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। Doctor, I told you not to worry. Operation is successful. Thank you, Doctor. Willie, Tony तो ठीक हो गया, लेकिन अब पैसों का क्या होगा? Tony की जान तो बच गई ना, अगर पैसे नहीं देंगे तो मुझे पुलिस आके पकड़ लेगी। Congratulations, Mr. William Bose. आप जिस शख्स का पीछा कर रहे थे वो बहुत बड़ा स्मगलर निकला। पुलिस को बहुत दिनों से उसकी तलाश थी। इनकी वजह से उसको पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। हाँ, उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था जो अब आपको मिलेगा। 50,000 रुपयों का इनाम मुझे? Yes, of course. तो फिर लाइए, दीजिए दीजिए। इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे मिस्टर बोस? कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझे 50,000 रुपयों की अभी जरूरत है। ये रहे। तुम? हाँ रख लीजिए इन्हें। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ किया टोनी के लिए किया है।
लेकिन तुम्हारे ये पैसे मैं इसे दान नहीं दे रही हूँ। जब तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम मिल जाए तो इन्हें लौटा दीजिएगा। तुम रो रही हो? ऐसा नहीं करते। आंसू पोंछ तो। अच्छा देखो मिस्टर विलियम बोस, पैसे लेने से पहले इतना जरूर याद रखना कि रकम बहुत बड़ी है। पूरे 50,000 रुपए हैं। मैं सिक्योरिटी लूंगा। सिक्योरिटी? हाँ हाँ सिक्योरिटी। तुम्हें हमारा दामाद बनकर रहना पड़ेगा। दामाद? दामाद? जी हाँ दामाद। डैडी, अरे तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। रो। देखे मैं तो आज तक रो रहा हूँ। कुछ गलत कह दिया मैंने? मिस्टर पद्मनाभन, अब तक तो तुम यहाँ 25 दफा आ चुके हो। अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अब वापस नहीं आना, समझे? फिकर मत करो, अब हमें वापस नहीं आएगा। वो विलियम बोस को इधर भेजेंगे। तुम ठहरो, अभी ठहरो। ओ व्हाट तुम या अरे कोई बचाओ।